रोड निर्माण डायमंड कंपनी के द्वारा गरीब किसानों को किया जा रहा परेशान, आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। मामला गौरा टीला मार्ग पर निर्माण कर रही डायमंड कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा गरीब किसानों को परेशान कर उनके खेतों की मिट्टी को मशीनों के द्वारा खोदकर रोड की साइड भरने का काम किया जा रहा है। और जब किसान इसका विरोध करते हैं तो कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किसानों को धमकाया जा रहा है। मजबूर होकर किसानों ने खोड़ पुलिस चौकी पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं रोड निर्माण कंपनी के द्वारा लापरवाही बरतते हुए मात्र कंपनी के फायदे के लिए साइटों में गहरी खाई खोदकर मिट्टी निकाली जा रही है, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। और कंपनी की लापरवाही का असर जो है वो गरीब जनता पर पड़ रहा है और लापरवाही का खामियाजा गरीब जनता को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा जगह जगह वन विभाग की भूमि पर भी गड्ढे खोदे गए हैं, परंतु विभाग फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और प्रशासन को डायमंड कंपनी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। वो मिट्टी खुदे खेत में बागल मिटा रहे हैं। कौन? कंपनी वाले, मशीन वाले। आपने मना किया? मैंने कहीं से दादागिरी बताई मैंने। अच्छा, क्या कह रहे हैं? तो मारेंगे कूटेंगे। अच्छा हाँ, तो मिट्टी कहाँ पे डाल रहे हैं? साइड भर रहा है, साइड पे। आपके खेत की मिट्टी डाल रहे हैं साइड? हाँ, खेत की। ये आज से करीब 5-7 दिन पहले की घटना है। एक इंडिका गाड़ी थी, वो पलट गई थी रोड से, रोड की साइड ना भरी होने से वो नीचे चली गई थी, पलट गई थी। उसमें इंजर्ड हुए थे 6 लोग। फिर मैं मौके पर गया था तो घायलों को PSC फोर्ड से जिला अस्पताल शिवपुरी रवाना करवा दिया था। लेकिन जो घटना मायापुर वो पिछोर थाना क्षेत्र की थी, आई कार्रवाई पिछोर थाना से हुई है। इसमें कंपनी है ये, पिछोर से गोरा टीला रोड इसने बनाई थी, अभी इसका सीमेंट का रोड बन चुका है, इसकी साइड भरे जाने का कार्य चल रहा है। तो आज नया गाँव तरफ ढाई मादे चौराहे पर कुछ नए गाँव लोगों के किसान के खेत हैं, तो उसमें मेवालाल वगैरह आए थे, वो कह रहे थे हमारे खेत के साइड से नाली खोद के वो मट्टी साइड में भरी जा रही है। उस पर मैं भी मौके पर गया था, डायमंड कंपनी वाला मैनेजर भी था, तो उससे मैंने चर्चा की, मैंने ये क्या है, क्यों उनको लोगों परेशानी हो रही। तो उनका कहना ये था कि हम नाली बना रहे हैं, तो हमने कहा इसमें क्या नियम है, नियमानुसार कार्रवाई करें, किसानों को परेशानी ना हो, इसको देख लें। किसानों का कहना ये था कि जो साइड से नाली खोद के मिट्टी जो साइड में भरी जा रही है, उससे ये मिट्टी बरसात में पूरी नीचे आ जाएगी और हमारे खेत का भी कटाव होगा उससे। तो इसके लिए हमने उनको बताया कि जो भी नियम है आपके, जो भी प्राकलन में है, वो अवगत कराएं, उसके बाद इसको कार्य करें। तो अभी उन्होंने उधर से कार्य छोड़ के दूसरी साइड से कार्य चालू कर दिया। जो भी कार्य होगा वो नियमानुसार कराया जाएगा।